वो लिस्ट मैं आपके सामने रख रहा हूं और देश को जानना चाहिए कि क्या वाकई में राम के नाम पर लूट हुई है। इस लिस्ट को देखिएगा, ये लिस्ट जानते हैं क्या है। अयोध्या विकास प्राधिकरण क्या कहता है संजय जी? अयोध्या विकास प्राधिकरण बताता है कि 40 लोगों ने अवैध रूप से जमीनों की खरीद फरोख्त की, निर्माण कार्य किया। ये लिस्ट मैंने इसलिए दिखाई क्योंकि इस लिस्ट में आपके विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, मेयर ऋषिकेश उपाध्याय और इसके साथ साथ 40 रसूखदारों के नाम हैं जिन्होंने जमीन के अवैध कारोबार में करोड़ों रुपए के वारे न्यारे किए। यानी भगवान की धरती पर आपके अपने नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, आपको देखकर हैरानी हुई? इसमें हैरानी हुई नहीं हुई के सवाल नहीं है। ये भगवान श्री राम के ऊपर नाम पर कोई घोटाला है या नहीं है इससे मतलब नहीं है। क्यों? ये अयोध्या विकास, एक मैं आपको आ रहा हूँ, अयोध्या विकास प्राधिकरण के द्वारा कुछ मिली भगत से जमीन का घोटाला हुआ। घोटाला करने वाला हमारे पार्टी से जुड़ा हुआ हो चाहे वो विपक्षी पार्टी से जुड़ा हुआ हो, अगर घोटाला का एक घाव भी साबित हो जाता है तो उसको वो तमाम हस्र को झेलना होगा जो बाकी पार्टियों को झेलना पड़ता है। आपने ये लिस्ट देखी ना? आपने तो देखी होगी, आपके मेयर, विधायक, पूर्व विधायक का नाम सामने आ रहा है और उनके भतीजे। सर इस लिस्ट को देखने के बाद आपको शर्म आई? इस लिस्ट को देखने के बाद देखिए शर्म, देखिए हर देश में लुटेरे को देख के शर्म आनी चाहिए और अगर लुटेरे को देख के शर्म नहीं आएगी तो फिर लूट खत्म कैसे होगा? मेरे हाथ में जानते हैं क्या है? आपके अपने सांसद की चिट्ठी है, दिखाऊं मैं आपको? ठीक है, लल्लू जी की चिट्ठी मैं बता देता हूं क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपने उनका जिक्र किया तो ये देखिए। लल्लू सिंह जी की चिट्ठी आपके सामने है। लल्लू सिंह जी अपनी चिट्ठी में बकायदा अवैध कारोबार की शिकायत कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी से, कह रहे हैं एसआईटी जांच होनी चाहिए। बकायदा वो बता रहे हैं कि जमथारा से गोलाघाट तक की जमीन कैसे खुर्द बुर्द की गई, एसआईटी जांच की वो मांग कर रहे हैं। या इन सबको पार्टी से अलग कर देना चाहिए या नहीं जिनके ऊपर आरोप लग रहे हैं? मेरा सीधा सवाल आपसे ये है। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? एक सांसद ने अपने क्षेत्र के अंदर एक जगह एरिया बताया और बताया कि इस एरिया के अंदर घोटाला हुआ है, ये उपलब्धि आपकी? जांच कराए एक मिनट चावला साहब, एक मिनट, एसआईटी के थ्रू जांच कराए। अब इन्होंने जांच के लिए उन्होंने योगी जी पर ही विश्वास किया है और मैं साफ साफ शब्दों में आपको कह चुका हूं, योगी सरकार वो सरकार है जो जानती है कि भ्रष्टाचारियों को कैसे नकेल कसना होता है। लिख रहे हैं एसआईटी जांच होनी चाहिए, एसआईटी जांच होनी चाहिए इस पूरे मामले की, आपके सांसद कह रहे हैं। ये देखिए चिट्ठी में लिखा, अरे एसआईटी जांच किया, जो जांच संभव है सब होगा, आप इससे निश्चित रहिए। नैतिकता के आधार पर अब यहां पर अगर आपके मेयर पे अयोध्या विधायक वेद प्रकाश गुप्ता सरयू से डबू क्षेत्र में जयपुरिया स्कूल के सामने नन्हे मियां के साथ मिलकर जमीन के अवैध कारोबार, कॉलोनी विकसित करने के खेल का आरोप है इन पे। दूसरे मेयर ऋषिकेश उपाध्याय श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को जमीन बेचने के मामले में चर्चा में थे। अब इनकी जो लिस्ट सामने आई है उसमें तो चाचे भतीजे पता नहीं क्या क्या सामने आ रहा है। और तीसरे मलकीपुर से पूर्व बीजेपी विधायक गोरखनाथ बाबा, जमीन लूटने के आरोपी बीजेपी के विधायक, मेयर और नेता। मैंने इसलिए ये बात कही, जमीन लूटने का जो भी आरोपी होगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। योगी सरकार और मोदी सरकार में जीरो टॉलरेंस है, चाहे वो हमारे पार्टी से ही जुड़े हुए लोग क्यों ना हो। ऐसा नहीं है कि ये पार्टी के अंदर करोड़ों करोड़ में कार्यकर्ता है और कोई उसमें अपराधी नहीं होगा, अपराधी होगा उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। संजय जी आप मानते हैं कि आपके नेताओं ने जमीन की दलाली की? मेरे नेता क्या, दलाल ने जमीन की दलाली करी? अगर वो मेरे पार्टी में है तो इसका मतलब मेरा नेता नहीं हो गया, वो जमीन तो वो आपकी पार्टी में क्यों है? संजय जी मैं जानता हूं दोषी और आरोपी में फर्क होता है, मैं ये भी जानता हूं, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि आपकी पार्टी चाल चरित्र और चेहरे वाली है, वो त्यागी वाली नहीं है ना जो महिला को डराता धमकाता है, उसको छोड़ो, आपकी पार्टी चाल चरित्र और चेहरे वाली है। इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि जिनके ऊपर आरोप लगे नैतिकता के आधार पर उनको पार्टी में रहने का अधिकार है फिलहाल, जब तक दोष सिद्ध नहीं हो जाता।
देखिए ये पार्टी का अपना विषय, पार्टी इस पर निर्णय लेगी, लेकिन जहां तक बात रहे, देखिए इस प्रजातंत्र देश के अंदर जो प्रजातंत्र है ना, इस प्रजातंत्र में आरोप लगाना धरती का सबसे आसान काम है। जो जहां विकास होगा, जहां फाइनेंस का इन्वॉल्वमेंट होगा, आप किसी पर भी आरोप लगा सकते हैं। और उसके बाद आपको पता चला मोदी जी पर आरोप लगा दीजिए, कल को कहिए कि प्रधानमंत्री पद छोड़ दो। बहुत अच्छी बात कही, मालूम है ना आडवाणी जी आदर्श है देश के लिए, क्यों इस्तीफा दिया था मालूम है ना। और तभी पद ग्रहण किया जब वो दोष मुक्त हो गए। गलत तो नहीं करा संजय जी आडवाणी जी? आडवाणी जी नजीर है ना देश के सामने, चार सीट में उनका नाम डाल दिया गया था इसलिए नजीर है। उन्होंने चार सीट में नाम आते ही उन्होंने रिजाइन दे दिया। बिल्कुल, अरे मेरी बात सुनिए, आरोप तो बहुत दिन से लग रहे थे सर। मैं वही तो आपसे कह रहा हूं, अयोध्या प्राधिकरण ये कहता है कि वेद प्रकाश के भतीजे तरुण मित्तल 125 करोड़ की जमीन खरीदते हैं, वही तरुण मित्तल 1 और 4 करोड़ की जमीन, 1 और 4 करोड़ की जमीन खरीदते हैं, वही तरुण मित्तल। ऋषिकेश उपाध्याय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से 2 महीने पहले 18 सितंबर 2019 को 30 लाख रुपए की एक और जमीन खरीदते हैं। 2 करोड़ की जमीन 10 मिनट के अंदर 18.25 करोड़ रुपए की रकम पर राम जन्मभूमि ट्रस्ट को बेच दी जाती है। आपको तो याद होगा ऋषिकेश उपाध्याय के भतीजे बीजेपी के आईटी सेल के नेता हैं दीप नारायण उपाध्याय जी, 20 लाख की जमीन को 2.5 करोड़ रुपए में बेच दिया। क्या ये आस्था के नाम पर खिलवाड़ नहीं बोलते इसको? देखिए जिन्होंने 20 लाख के जमीन को 2.5 करोड़ में बेच दिया, चाहे वो आईटी सेल का नेता हो चाहे कोई सेल का नेता हो, हम उसे जमीन दलाल का संज्ञान देते हैं। और जमीन दलाली से राम मंदिर ट्रस्ट को नुकसान पहुंचाने वाला कोई भी व्यक्ति होगा चाहे वो जो हो, उसको बचाने का कार्य इस पार्टी के अंदर नहीं होता। याद होगा आपको, हम सबको भी याद है, नारा लगाया बच्चा बच्चा राम का जन्मभूमि के काम का, रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, नारा सबने लगाया। बीजेपी के लोगों ने इसलिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि मंदिर आंदोलन इसलिए तो नहीं किया होगा कि राम मंदिर के आसपास की जमीनें बेच बेच कर पैसा कमाया जाए, ऐसा तो कभी नहीं किया होगा। इसलिए भी नहीं किया होगा कि लोगों की आस्था के नाम पर चंदा इकट्ठा होगा, 1000 करोड़ रुपए घड़प लिए जाएंगे और घोटाला करेंगे, है ना सर? 1.25 साल में घोटाला किसने होने दिया, क्यों होने दिया? और जिन्होंने अवैध कब्जा किया उनके यहां बुलडोजर चलेगा ना संजय जी, कि नहीं? तो दावे के साथ कह रहा हूं, आज आप नोट कर लीजिए अपने चैनल से, इस बात को रिकॉर्ड में रख लीजिएगा, एक व्यक्ति भी अगर उसके अंदर दोषी पाया गया जो जमीन के साथ खिलवाड़ किया होगा और प्रमाण सहित होगा, तो योगी का बुलडोजर उसके घर को रोंग देगा, ये बात ध्यान रखिएगा। हमें भी इंतजार रहेगा कि ग्रीन बेल्ट पर जिन्होंने निर्माण किया, ग्रीन बेल्ट पर जिन्होंने निर्माण किया, बिना अधिकारियों के मिली भगत के कर दिया उन्होंने, आपकी नाक के नीचे कर दिया, उनके ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए। सुनिए चावला साहब, मैं कह रहा हूं कोई अधिकारी शामिल हो, कोई राजनेता शामिल हो, या किसी भी तरह के जमीन से जुड़े हुए दलाल शामिल हो, अगर 1 रुपए का भी घोटाला उसके अंदर पकड़ा गया ना, तो उसके घर पर बुलडोजर चलेगा, ये बात को आप रिकॉर्ड कर लीजिए।